अस्सलाम वालेकुम जी। आज मोहम्मद यूसुफ साहब आए हैं हमारे पास बांग्लादेश से। वहाँ जी बांग्लादेश पे बांग्लादेश में किस जगह से हैं आप? चिटागांग से। चिटागांग से। ठीक हो गया। अच्छा, ही इज़ ऑलमोस्ट मेल पैटर्न बॉल्ड और ये पहले हेयर सिस्टम यूज़ कर रहे थे और उसकी वजह से डोनर काफ़ी हद तक डैमेज हो चुका है। जैसे एंड में डोनर ही बचा है, बाकी स्पोर्टिव वेयर्स बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं इनके। तो जो लोग ज़्यादा अरसा हेयर सिस्टम यूज़ करते हैं उनके साथ अमूमन ये मसाइल आते हैं कि उनका सर की चौड़ाई बढ़ जाती है और जो बीच में स्पोर्टिव वेयर्स हैं वो तकरीबन ऑलमोस्ट हेयर सिस्टम की हैंडलिंग में ज़ाया हो जाते हैं। तो लेकिन इसमें भी हम प्लान ये करेंगे कि इनका थोड़ा सा माथा बड़ा रखे, फोर फिंगर पे वी को हल्का सा डीप रखेंगे और टेम्पल्स बना देंगे जिससे उनका चेहरा थोड़ा सा यंग और फीचर्ड भी हो जाएगा और अपर लेवल भी कुछ ना कुछ कवर करने में हम कामयाब हो जाएंगे। तो इस साल हम इनका तकरीबन ये एरिया कवर करने में कामयाब हो जाएंगे इंशाल्लाह। इससे पीछे इतना ही एरिया चाहिए, नेक्स्ट ईयर कभी भी दोबारा अवेलेबल होंगे तो उसको भी कवर किया जा सकता है। चूँकि हम इसको मैनुअल मेथड से बाल एक्सट्रैक्शन करेंगे, मोटर से नहीं करेंगे, तो इसलिए इनका डोनर भी बच जाएगा। तो इवन हमारा प्लान है 3,000 से 3,500 ग्राफ्ट उस डोनर में से लेने का। ये देखें आप, डोनर लास्ट लिमिट पे ही पहुंचा हुआ है, लेकिन इसमें से भी जब हम 2 दिनों में लेंगे तो तकरीबन 3,000 से 3,500 ग्राफ्ट निकल आएंगे। तो उससे इंशाल्लाह इनका फोर फिंगर या फाइव फिंगर एरिया लाजमी कवर हो जाएगा। बाकी अभी मशीन लगाते हैं, स्टार्ट करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं इसका स्केच। बहुत शुक्रिया। जी, इनका स्केच कंप्लीट हो गया और जैसा मैंने बताया था कि हम फ्रंट लाइन को आज फिलिंग करेंगे और बैक वाला एरिया और टेम्पोरल एरिया इसको हम कल लेके जाएंगे इंशाल्लाह। तो इसी से इनका चेहरा इनकी एज के मुताबिक आ जाएगा, फीचर्ड हो जाएगा। अभी हम बालों को पूरे सर में नहीं फैला रहे हैं बल्कि अपर लेवल तक जस्ट लेके जाएंगे, बाकी ये नेक्स्ट ईयर इसको कवर करवाएंगे इंशाल्लाह। ओके सर, थैंक यू। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्ला। मैं बांग्लादेश से हूँ, दुबई में रहते हूँ। तो मैंने ये भाई लोगों का जो हेयर स्किल है इसका मैंने यूट्यूब में चेक किया था दुबई से, तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे। फिर मैं भाई का व्हाट्सएप नंबर लेके इधर बात किया था पाकिस्तान में। फिर मैं पाकिस्तान सफ़र आ जाके वीज़ा निकल के फिर इधर सीधा आया, तो इन लोगों के पास बात करके फिर मेरा ये हेयर ट्रांसप्लांट कराया। अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे जितना उम्मीद था उससे ज़्यादा इन लोगों ने किया, बहुत मेहनत किया इन लोगों ने मेरे ऊपर और इतना अच्छा ताउन किया सब मिलके, मेरे को बहुत अच्छा लगा। इधर से डॉक्टर, इधर का स्टाफ जो है, नाज वगैरह सब, मैनेजर से लेके सब इतना अच्छा हेल्प किया। मतलब मैं इतना हिम्मत नहीं किया, जितना उम्मीद नहीं किया इससे ज़्यादा किया भर के। मैं उस सबका शुक्र अदा करना चाहता हूँ और सबको मेरे तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि इतना दूर आने के बाद यानी हम इधर स्टे करके ये सब कुछ मेरा कंप्लीट करके दिया। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं खुश है। ठीक हो गया। अच्छा यूसुफ भाई, आपके क्योंकि आपने इसको 2 दिनों में परफॉर्म किया इस सर्जरी को, जी आपने देखा कि पहले दिन आपकी सिर्फ फ्रंट लाइन बनाई गई थी और लाइन काफ़ी हमने क्लोज वर्किंग की, जी नेक्स्ट डे फिलिंग की, जी लेकिन 3,600 समथिंग ग्राफ्ट जो आपके निकले 2 दिनों के अंदर, जी जी तो इससे बिल्कुल हमने कम से कम फ्रंट लुक तो आपकी बना दी है। जी अब सर, इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर जब भी कभी आप दोबारा पाकिस्तान आएंगे तो उसमें फिर जो पीछे रिमेनिंग एरिया रह गया हम जी उसको भी कवर कर देंगे इंशाल्लाह और सर, फ्रंट लाइन को भी थोड़ा सा डेंस करेंगे। थोड़ा सा इंशाल्लाह सर नीचे कीजिएगा, मैं देख सकूँ कि क्या कंडीशन हुई आपकी 2 दिनों के अंदर। माशाल्लाह लाइन आपकी काफी क्लोज बन गई है और इवन आपके जो पीछे स्क्रैप्स हैं वजह से एक डॉट नजर आ रहा है, यानी कि कोई इसमें जख्म नहीं है गहरे। और ये 3 दिन आज हो चुके हैं, 3 दिनों में आपकी पट्टी खुल चुकी हुई है। जी अब सर, अगले 1 हफ्ते तक ये सब स्क्रैप जो हैं वो रिमूव हो जाएंगे और आपके सर में से सिर्फ बाल निकलता नजर आ रहा होगा और कोई निशान नहीं होगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह ठीक है, इंशाल्लाह तो सर। अभी पेन का मुझे बताएं कि पेन तो बहुत ज्यादा रहा है या एवरेज रहा है आपका? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह इतना पेन मुझे महसूस नहीं हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल नॉर्मल है, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कोई इशू नहीं है। आज मेरा पट्टी खुला, इन लोगों ने क्लीन करके जो भी करना कर दिया, अल्हम्दुलिल्लाह सही है अभी चलें जी, ऑल द बेस्ट। एक इंशाल्लाह। तो पूरे पाकिस्तान की तरफ से आपको ऑल द बेस्ट कि आप आए इतनी दूर हमारे पास, और यही हमारे पास लिमिट थी जो इंसानी इख्तियार में है जी उन्होंने जी मैक्सिमम आप पे काम कर दिया। जी जी अब जैसे जैसे आपका आउटपुट आता जाएगा आप मुझे अपने रिव्यूज और अपना वो जो वीडियोज है भेजते जाइएगा। इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल आपका रखिएगा। भी हाल है। अस्सलाम वालेकुम।